हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वर्टिब्रेट्स या फिर कोडेट्स से रिलेटेड अनदर टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पेडोमॉर्फोसिस। काफ़ी बार ये होता है कि पेडोमॉर्फोसिस या फिर नियोटेनी जो एक टर्म है जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसको जो है हम सेम मान लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन आज इस वीडियोज़ में हम देखेंगे कैसे जो है ये दोनों टर्म्स जो है वो अपने आप में डिफरेंट हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनको डिफरेंट बनाती हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिटेंशन बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ जुवेनाइल और इवन लार्वल ट्रेट्स इन टू लेटर लाइफ। मतलब किसी भी जुवेनाइल के द्वारा, दैट इज़ नॉट अ फुली ग्रोन एडल्ट, और ओके इवन लार्वल ट्रेट्स जो है वो लेटर लाइफ तक, मतलब एडल्ट स्टेज तक भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिटेन करके रखता है, अगर उसमें वो फीचर्स एडल्ट में भी जुवेनाइल वाले या लार्वा वाले प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पेडोमॉर्फोसिस कहते हैं। अब पेडोमॉर्फोसिस के भी बेसिकली दो एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द नियोटेनी। नियोटेनी जो है बेसिकली मीन्स दैट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ बॉडीली डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। कि एक ऑर्गेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो टाइम से पहले डेवलप हो जाती है, एज ए रिजल्ट उसके अंदर जो लेटर बॉडीली डेवलपमेंट होने होते हैं, दैट इज़ जो कि एक एडल्ट को के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसमें नहीं हो पाते। सो दैट इज़ द केस सिनेरियो ऑफ नियोटेनी। सो द टर्म पेडोमॉर्फोसिस इज़ अप्रोप्रिएट ओनली इन केस ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस ऑफ ओंटोजेनी, दैट इज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल फेज के टाइम पर ही पेडोमॉर्फोसिस को कंसिडर किया जाता है, उसको जो है डिफाइन किया जा सकता है कि कैसे उस ऑर्गेनिज्म ने वो फीचर्स जो है वो अटेन किए या ना किए, दैट इज़ द केस। सो नेक्स्ट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नियोटेनी। सो नियोटेनी इज़ अगेन एन ओंटोजेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट डेवलप्स विद इन द प्रीवियस रिएक्शन नॉर्म ऑफ द गिवन जीनोटाइप अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। बेसिकली नियोटेनी के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि कुछ सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, एंड अगेन ये भी एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट फेज से ही स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ड्यूरिंग एग टू डाइगोट एंड देन लेटर और जो लार्वल स्टेजेस होती है, तभी से जो है वो फीचर्स जो है वो डेवलप होते हैं। और जबकि अगर हम पेडोमॉर्फोसिस की बात करें, सो इट इज़ अ चेंज इन ओंटोजेनी, दैट इज़ चेंज आना डेवलपमेंट फेज के अंदर, ओके अपने आप, ना कि किसी एनवायरनमेंट कंडीशन के कारण। नियोटेनी जो होती है उसमें एनवायरनमेंट कंडीशंस का रोल होता है, कुछ सर्टेन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एनहेंस कर लेता है, गेन कर लेता है, एंड एज अ रिजल्ट उसमें जो फीचर्स हैं लार्वा वाले या जुवेनाइल वाले वो रिटेन रहते हैं। लेकिन पेडोमॉर्फोसिस के केस में एनवायरमेंटल कंडीशंस का कोई रोल नहीं होता, वहाँ मेन रोल ये है दैट इज़ ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस, कि जीन वाइज जो है चेंजेस आते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जिसके कारण जो लार्वल ट्रेट्स हैं, जो जुवेनाइल ट्रेट्स हैं, वो एडल्ट जो एनिमल है वो भी कैरी करके रख पाता है। सो अब आती है मेन बात, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नियोटेनी एंड द पेडोमॉर्फोसिस। सो अगर हम नियोटेनी का एग्जांपल लें सबसे पहले, दैट इज़ इन नियोटेनिक एम्बायस्टोमा लार्वा मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड बिकॉज ऑफ वेरी लो सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। अब हमें पता है कि लार्वा जो है वो एडल्ट में हैच होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो इनके केस में, दैट इज़ एम्बायस्टोमा के केस में क्या होता है कि थायरॉइड ग्लैंड की जो है सिक्रेटरी एबिलिटी जो है, उनकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है, जिनके कारण क्या होता है उनकी जो मेटामॉर्फोसिस है लार्वा से एडल्ट में या फिर लेटर और जो फॉर्म्स हैं उनमें वो डिले हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाती है। और ये क्यों हो पाती है? इट इज़ कॉज्ड बाय द इनसफिशियंट सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द एडेनोहाइपोफाइसिस। जो एडेनोहाइपोफाइसिस रीजन होता है उसके अंदर TSH जो है वो इतना नहीं बन पाता, ओके, जो कि थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हाई लेवल सिंथेसिस ऑफ
प्रोलैक्टिन लाइक हार्मोन दैट सप्रेस द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो क्या होता है कि एक साइड जो है TSH बन रहा होता है, दूसरी साइड जो है वो प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन बन रहा होता है. लेकिन क्या होता है, एक सर्टेन कंडीशन में TSH जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है, उसकी सिंथेसिस इतनी नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू प्रोलैक्टिन जिसकी सिंथेसिस जो है वो नॉर्मल चल रही है, हाई लेवल सिंथेसिस भी हो जाती है. तो प्रोलैक्टिन क्या करता है कि थायरॉयड ग्लैंड को सप्रेस करने का काम कर रहा है, कि थायरॉयड से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं T3 और T4 उनका सीक्रेशन जो है वो आगे नहीं हो पाता. तो इसके केस में क्या होगा, ऑल द टिश्यूज रिटेन नॉर्मल सेंसिटिविटी टू थायरॉयड हार्मोन्स. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, हमें पता है आप न्यूरोटेनी के अंदर भी देखेंगे प्रीवियस वीडियो में, कि कुछ बॉडीली पार्ट्स हैं लाइक टेल है, लिम्स हैं, जो कि थायरॉयड हार्मोन जो है T3 और T2 जो है उनके प्रति अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उनका नॉर्मल जो है बिहेवियर उनकी तरफ नहीं होता, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है. लेकिन इस केस में जब प्रोलैक्टिन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, थायरॉयड ग्लैंड को सप्रेस करता है, तब सारे ही टिश्यू जो है वो T2 और T3 के प्रति एक नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर वो नहीं रख पाते. ओके, एंड द नियोटानिक लार्वे सक्सेसफुली अंडरगो मेटामोर्फोसिस आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद दीज हार्मोन. लेकिन बाद में क्या होता है, ये हार्मोन्स के ट्रीटमेंट के बाद में जो लार्वा नियोटेनिक फॉर्म में था, जिसमें मतलब मेटामोर्फोसिस नहीं हो पाया था, डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, जब हम एक्सटर्नली अगर इन हार्मोन्स का ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं इन लैब, ओके, बाय एनी फिजिकल कंडीशन, अंडर एनी फिजिकल कंडीशन, सो क्या होता है कि वो मेटामोर्फोज हो जाते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये नियोटेनी की सिचुएशन थी. लेकिन अब बात आती है पीडोमोर्फोसिस की, कि पीडोमोर्फिक फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे कि यूरोडेलेंस हैं जो कि आपका जो एम्फीबिया है उनका ही एक ऑर्डर है, इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि नेक्टिवरस है, प्रोटियोसिस है, तो इनमें क्या होता है मेटामोर्फोसिस जो है वो फेल हो जाती है बिकॉज दे टिश्यूज आर इनसेंसिटिव टू T2 एंड T3. अब ये इनके जो टिश्यूज़ हैं ये रिस्पोंड ही नहीं करते T2 और T3 की तरफ. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कंडीशन डेवलप हुई है मेटामोर्फोसिस की वो जेनेटिकली है, ओंटोजेनी के थ्रू जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है. एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, केमिकल कंडीशंस क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या है, उनसे इनके सेल जो टिश्यूज़ हैं, इनके जो सेल्स हैं, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आ पाता. सो द थायरॉयड ग्लैंड इन दीज फॉर्म हैज़ नॉर्मल सिक्रेटरी एक्टिविटी. थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी जो है सिक्रेशन की वो भी नॉर्मल रहती है, एंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट कैन इंड्यूस नॉर्मल मेटामोर्फोसिस इन नियोटेनिक एक्सोलोटल. और अगर हम इसी के थायरॉयड ग्लैंड से कुछ एक्सट्रैक्ट करके, कुछ हार्मोन एक्सट्रैक्ट करके, और अगर जो नियोटेनिक फॉर्म्स हैं उनमें भी अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उनमें भी नॉर्मल मेटामोर्फोसिस जो है वो देखने को मिल सकती है, जैसा कि पीडोमोर्फिक फॉर्म्स में देखने को मिलती है. सो इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे पीडोमोर्फोसिस और नियोटेनी जो है वो आपस में डिफरेंट है. हाउएवर additional doses of thyroid hormones applied to pedomorphic amphibians lead only to minor metamorphic changes. लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि मान लो हमने अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस जो हमारे पेडोमॉर्फिक फॉर्म्स थी, जैसे कि यूरोडेलिन्स जो है उनके अंदर अगर हमने थायरॉयड हार्मोन्स थोड़ी सी एडिशनल डोज इंजेक्ट कर भी दी, तो उसके केस में क्या होता है कि केवल माइनर मेटामॉर्फिक चेंज हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ इफेक्ट हमें जो कि नियोटेनी में देखने को मिलता है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता, जैसे कि उनकी मोल्टिंग हो जाती है या फिर गिल्स जो है उनका रिडक्शन हो जाता है. बट मेटामॉर्फोसिस इज़ नेवर कम्प्लीटेड. मेन चीज़ ये है कि मेटामॉर्फोसिस कभी भी कम्प्लीट नहीं होती, फुली कम्प्लीट नहीं होती, एंड द एनिमल डाई इफ़ सच इंजेक्शंस आर मेड रिपीटेडली. बार बार अगर हम सोचेंगे ना कि मोल्टिंग अच्छी सी हो जाए, पूरी कंप्लीट मेटामोर्फोसिस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा. बार बार अगर हम इंजेक्ट करवाएंगे उन्हें थायरॉयड हार्मोन से एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो उनकी उस पर्टिकुलर एनिमल की जो है वो डेथ हो जाएगी. वो नियोटेनिक फॉर्म से इसीलिए जो है वो डिफरेंट भी होते हैं. अब जैसे कि हम बात करते हैं, एक सिचुएशन होती है हेट्रोक्रोनी, दिस इज अ चार्ट डायग्राम बेसिकली. एक होती है पेडोमोर्फोसिस और दूसरी होती है पेरामोर्फोसिस. सो पेडोमोर्फोसिस जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो है तीन फॉर्म्स जो है वो होती हैं. फर्स्ट होती है नियोटेनी, देन पोस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोजेनेसिस. देन बात आती है हिस्ट्री की, दैट इज़ जो पेडोमोर्फोसिस है इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो गार्स्टांग जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था 1928 में. देन इन 1936
एच स्क्विंड वॉल्फ, उन्होंने जो है वो एक टर्म का यूज़ किया, दैट इज़ प्रोटेरोजेनेसिस, जो कि सिमिलर था किसके साथ में, नियोटेनी के साथ में, मतलब एक पर्यायवाची की तरह था विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ नियोटेनी। देन 1951 के अंदर डी बियर ने जो है फेवर्स टू यूज़ द ब्रॉडर टर्म हेट्रोक्रोनी, इन्होंने कहा कि भाई नियोटेनी छोड़ो, पिडोमोर्फोसिस छोड़ो, एक ब्रॉड टर्म जो है लेके आओ, दैट इज़ द हेट्रोक्रोनी, विच इज़ एनी एवोल्यूशनरी चेंज इन द रिलेटिव रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ड्यूरिंग ओंटोजेनी, दैट इज़ एंटायर ऑर्गेनिज्म के एंटायर डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई भी चेंज, एवोल्यूशनरी चेंज जो है होता है, उसे हम ओवरऑल जो है हेट्रोक्रोनी का नाम देंगे, ना कि उसे हम क्लासीफाई करेंगे कि वेदर इट इज़ स्पिडोमोर्फोसिस और वेदर इट इज़ नियोटेनी। देन अगर हम अकरेंस की बात करें कि पिडोमोर्फोसिस जो है हमें कौन कौन से एनिमल्स जो हैं उनमें देखने को मिलती हैं, ओके, तो फैमिलीज़ हैं प्रोटिडे एंड क्रिप्टोब्रैंकिडे फैमिलीज़ हैं, और कुछ स्पीसीज़ जो है एम्बायोस्टोमा की, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। अब अगेन बात आती है टाइप ऑफ पिडोमोर्फोसिस। टाइप जो है जस्ट लाइक, जैसे कि नियोटेनी के टाइप है ऑब्लिगेटरी है, फैकल्टेटिव है, कम्प्लीट है, जस्ट लाइक दैट इसी में भी है। तो सबसे पहला आता है ऑब्लिगेटरी, दैट इज़ सम स्पीसीज ऑफ यूरोडेल्स और द लार्वल स्टेजेस ऑलवेज रिमेन मेच्योर परमानेंट लार्वल स्टेज, दे डू नॉट मेटामोरफोज एट एनी टाइम, मतलब एक बार जो उनकी स्टेज रहेगी वो हमेशा उसी में रहेंगे, उनका किसी भी एट पर्टिकुलर टाइम या फ्यूचर में कोई मेटामोरफोसिस जो है वो उनका नहीं रहेगा। ओके, द डेवलपिंग टिश्यूज फेल टू रिस्पॉन्ड टू थायरॉयड हार्मोन व्हेन इन अदर फॉर्म्स द टिश्यूज रिस्पॉन्ड टू T4 एंड मेटामोरफोज इनटू एडल्ट। नॉर्मली क्या होता है कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो T4 से रिस्पॉन्ड करते हैं और एडल्ट के जो स्टेज हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं, उनमें मेटामोरफोसिस होती है। लेकिन इसके केस में, दैट इज़ जो यूरोडेल्स के केस में क्या होता है कि T4 के प्रति रिस्पॉन्स ही नहीं होता टिश्यूज़ का, सो एज ए रिजल्ट वो मेटामोरफोस नहीं हो पाते। ड्यूरिंग दिस द जीन्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग मेटामोरफोसिस हैव बिकम सप्रेस्ड, जो जीन्स होते हैं जो मेटामोरफोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो मेटामोरफोसिस का जो फेज़ है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। अनदर अगर हम एग्जाम्पल्स की ही बात करें डिटेलिंग में, दैट इज़ सम पॉपुलेशन ऑफ क्रिप्टोब्रैंकस एलिगेनियंसिस आफ्टर कम्प्लीट मेटामोरफोसिस रिटेन अ सिंगल गिल स्लिट, ओके, दैट रिफ्लेक्ट एंसेस्ट्रल लार्वे फीचर, जो कि लार्वास के अंदर जो देखने को मिलता है फीचर वो भी इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है आफ्टर मेटामोरफोसिस। एम्फियोमा है, दे हैव नो एक्सटर्नल गिल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन क्या होती है इनमें लार्वल गिल्स स्लिट्स जो है वो पाई जाती हैं। दे हैव वेस्टिजियल लिम्स मतलब रिड्यूस्ड लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड लिम्स जो हैं जो कि एक एडल्ट में देखने को मिलते हैं वो इनमें नहीं मिलते। अलॉन्ग विद दैट आईलिड्स जो हैं वो भी नहीं होती। दे डू नॉट मेटामोरफोज एंड कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाई T4 और जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। वहीं अगर हम नियोटेनी का केस देखते हैं, ऑब्लिगेटरी नियोटेनी, तो वहाँ पर T4 को जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है इंड्यूस करवाया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ओके, एंड एज ए रिजल्ट वो मेटामोरफोस हो भी जाता है क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्टेड है। लेकिन पिडोमोरफोसिस के केस में वो चीज़ जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है, जेनेटिकली फिक्स्ड होती है, तो हम अगर हम T4 से इंडक्शन भी करवाते हैं तो हमें कोई भी रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिल पाता। देन फैकल्टेटिव की बात आती है, दैट इज़ द एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सम यूरोडिल्स लाइक एम्बायोस्टोमा ऑफ USA, उनमें पिडोमोरफोसिस देखने को मिलती है फैकल्टेटिव टाइप की। अब फैकल्टेटिव टाइप की क्या होती है, दैट इज द लार्वे बिकम सेक्सुअली मेच्योर एंड ब्रीड, बट दे कैन मेटामोरफोज एंड चेंज इन टू एडल्ट वेन द अवेलेबल कंडीशंस आर चेंज, मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली फिक्स नहीं है कि आपने जो है एडल्टहुड गेन कर लिया आफ्टर मेटामोरफोसिस, आपने जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए, आप मेच्योर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेटामोरफोसिस नहीं कर पाओगे। फैकल्टेटिव मतलब पार्शली, कि कंडीशन मिलने पर वो मेटामोरफोसिस उनमें हो भी सकती है। डेट इज़ दे आर नॉट द परमानेंट लार्वे लाइक नेक्टिवरस की जैसे परमानेंट नेचर में नहीं है वो, कि उनमें परमानेंटली मेटामोरफोसिस होगी ही नहीं, मतलब वो खुद को चेंज ही नहीं करेंगे। इन दिस केस हॉर्मोन T4 इंड्यूस द मेटामोरफोसिस, तो यहाँ पर T4 का रोल हमें देखने को मिलता है। व्हेन दे रिमेन इन एक्वेटिक कंडीशन दे पोजेस एक्सटर्नल गिल स्लिट्स मीडियन डोर्सल फिन, ये सब उनमें होते हैं एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, बट व्हेन
वाटर इज ड्राइड अप, मान लो पानी जो है वो उस पर्टिकुलर पोंड का जिसमें वो रह रहे थे वो सूख गया, ओके, और चेंजेस एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वहाँ की चेंज हो गई, सो देन दे मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट इंडिविजुअल. क्यों? अब वो एडल्ट इंडिविजुअल मेटामॉर्फोज हो जाएंगे सो दैट वो अपने आप को लैंड पर भी अडेप्ट कर सके. ओके, एनवायरमेंटल कंडीशंस अब उनके फेवर में नहीं है, सो लूजिंग इट्स लार्वल फीचर्स, सो एज ए रिजल्ट वो अपने लार्वल फीचर्स जो है वो लूज कर जाते हैं. सो पेडोमॉर्फिक फॉर्म्स कैन बी रिकोगनाइज बाय प्रेजेंस ऑफ लार्वल फीचर. जैसे कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन से जो फॉर्म्स हैं जिनमें पेडोमॉर्फोसिस देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनमें आईलिड्स का अब्सेंस होना, रिटेंशन ऑफ एक्सटर्नल गिल्स कुछ केसेस में होता है, ये सभी में नहीं होता, और फंक्शनल लेटरल लाइन सिस्टम जो है उनमें डेवलप हो जाता है. लार्वल टूथ एंड द बोन पैटर्न्स आल्सो हेल्प टू रिकोगनाइज द पेडोमॉर्फिक फॉर्म्स, तो ये पैटर्न्स जो है वो भी हेल्प करते हैं. सो एज अ सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें कि क्यों जो है हम पेडोमॉर्फोसिस की स्टडी हमने करी, क्यों साइंटिस्ट ने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया, सो मेन ये है कि एज ए पेडोमॉर्फ एक्सोलोटल ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंट्रोलिंग और लिमिटिंग द एवोल्यूशन ऑफ एडल्ट फीचर. हम एक्सोलोटल की स्टडी से जो है उसके लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को इतनी डिटेल में जान सकते हैं और उसे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है एडल्ट फीचर्स का इवोल्यूशन जो है हुआ, कैसे उनमें लिमिटिंग हुई या कैसे उनको कंट्रोल किया गया, एज अ रिजल्ट सारे फीचर्स जो है वो एडल्ट में नहीं आए. गार्स्ट्रांग ने जैसे कि इन 1928 प्रपोज दैट वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्यूनिकेट लाइक लार्वा. उन्होंने कहा कि भाई ट्यूनिकेट्स जो थे, जो मतलब अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वो उन जैसे लार्वा से ओरिजिनेट हुए हैं जो कि मेटामॉर्फोस नहीं हो पाए थे, दैट फेल्ड टू मेटामॉर्फोस बट डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेकिन उनमें मेच्योरिटी आ गई थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें डेवलप हो गए थे, एंड ही टर्म दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज पेडोमॉर्फोसिस, और इसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, पेडोमॉर्फोसिस जो है वो कहा. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सालामांडर. कॉडल फिन इसमें है, हिंडलिम है, ट्रंक है, गल स्लिट्स है, आई है, ओके, फोर लिम्स जो है वो है. देन दिस इज द डायग्राम ऑफ अगेन द ओवरऑल डेवलपमेंट नियोटेनिक अगर हम कहें या फिर पेडोमॉर्फोसिस कर कहें कि कैसे जो है ओरिजिनल डेवलपमेंट है, देन लेटर ऑन ओके शॉर्टर डेवलपमेंट हुआ, लॉन्गर डेवलपमेंट भी हुआ बाय एनी फोर्सेस, दैट इज़ अगर डेवलपमेंट कम होता है उसे हम हाइपोमॉर्फोसिस कहते हैं, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न तो हाइपरमॉर्फोसिस जो है हम उसे कहेंगे. ओके, एंड मेन थिंग इज़ ये डायग्राम है, दैट इज़ दैट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेडोमॉर्फोसिस. फैक्टर्स जो है वो पेडोमॉर्फोसिस इन जनरल अफेक्ट नहीं करते, जैसे कि हमने देखा वो रोल न्यूटेनिक के केस में ज़्यादा सुटेबल रहता है, सो दैट डायग्राम इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. मेन चीज़ ये है कि कैसे जो है वो प्रोलैक्टिन का रोल जो है वो यहाँ देखा जाता है कि वो मेटामॉर्फोसिस को डिले करता है. एनवायरमेंटल क्यूज हैं जो हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते हैं, देन थायरॉइड है जो कि T4 और T3 हार्मोन जो है रिलीज करता है जो कि मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है, एंड एज अ रिजल्ट एडल्ट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता है. सो या दैट इज़ ऑल अबाउट पेडोमॉर्फोसिस एंड नियोटेनी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.